हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक सब्जी की रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो आलू और भिंडी दो ऐसी सब्जियां हैं जो सभी को पसंद आते हैं और किसी भी तरह से बनाएं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो मेरा बेटा हमेशा डाइट के चक्कर में सिर्फ प्लेन सूखी रोटियां ही खाता है या तो फुल्के खाता है, लेकिन जब भी मैं भिंडी मसाला बनाती हूँ वो तो डाइट का चक्कर सब भूल जाता है और कहते हैं इसके साथ पराठे ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम्स भिंडी लिया है। मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है, इसीलिए हम भिंडी की सब्जी जब भी बनाते हैं ज़्यादा बनाते हैं। भिंडी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है। इसे हम इस तरह से कट करेंगे, ये दोनों एंड्स निकालेंगे और इसे बड़े ही पीसेस रखेंगे। अगर बड़ी भिंडी हो तो दो टुकड़े करेंगे या तो ऐसे ही रखेंगे। इस तरह हमने सारे भिंडी को कट कर लिया है। भिंडी में डालेंगे हम ये 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बेसन, मिक्स कर देते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल, ये सारे बेसन से कोट किए हुए भिंडी को हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे कम से कम 80% तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने लो फ्लेम में करीब 10 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लिया है। हमारी भिंडी 80% तक फ्राई हो गया है, इसे हम बॉल में निकाल लेंगे। हमने सारे फ्राइड भिंडी को इस बॉल में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में हम फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 3 ग्रीन चिली चॉप, 1 अनियन चॉप, 1 अनियन्स फ्राई होने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर क्रश, 8 से 10 गार्लिक पॉड्स को हमने क्रश कर लिया है, 2 मिनट फ्राई कर लिया है गार्लिक का कच्चा स्मेल जाने से। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टमाटर को प्यूरी कर लिया है।
इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। और इसे 2 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए, हम ये लिड हटा देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 कप दही या योगर्ट। दही डालने के बाद हम कवर करके और 2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए, इसमें हम ये 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राइड भिंडी। इसे फिर कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। हमारा ये भिंडी मसाला तैयार है। इसमें डालेंगे हम ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये हरा धनिया। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। हमारा ये भिंडी मसाला तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ सर्व कर सकते हैं और दही के साथ।